Dear students, today we are going to study class 6, social science, geography, chapter 2, globe, latitudes and longitudes. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6, सामाजिक विज्ञान, भूगोल के चैप्टर नंबर 2, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अध्ययन करेंगे. इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ग्लोब एंड इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. थ्रू दिस वीडियो वी डिस्कस नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में अध्ययन करेंगे. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन between the tropic of cancer and the tropic of capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है. इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बिहाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स. एज सच the areas bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है. ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं. इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है. इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है. एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हिमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल
and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone. उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवव्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवव्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं. वाट आर लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर क्या है? टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो something more than the latitude of that place you can see. For example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. Now, in order to locate them previously, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridian of longitude. And the distance between them are measured in degree of longitude. Each degree is further divided into minutes and the minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां आवश्यक होती हैं. आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हैदराबाद और भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश पर स्थित हैं. उनकी यही स्थिति जानने के लिए पता लगाना होता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है. इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय मयोत्तर कहते हैं और इनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है. प्रत्येक अंश को मिनट में
तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों तक बढ़ने पर घट जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगेन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree eastward. The prime meridian and 180 meridian divide the earth into two equal halves, the earthen hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अक्षांश इन समांतर रेखाओं के से विभिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली मयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर की मुख्य यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 degree देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। मुख्य यमोत्तर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians on longitude. On the globe, you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ
latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरीय यमुत्रों के बीच बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी 26 यानी 26 उत्तर अक्षांश एवं 90 पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। To understand this clearly, draw equidistance vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D, and E. Let vertical lines present east longitude and horizontal lines as north latitudes. Now you will see that circle R is located on VN latitude and one east longitude. Find out the locations of the other circles. इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, आ अक्षरों से व्यक्त करें। इन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अब आ, वा, सादा या धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अगर आप देखेंगे कि वृत्त आखा उत्तरी अक्षांश तथा वन पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति भी हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं।